आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मुकाबला बांग्लादेश बनाम साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश की पारी का 17वां ओवर और गेंद फेंकने आए हैं ओटनील बाटमैन। इस दौरान क्रीज पर मौजूद तौहीद रिदाए और महमूदुल्लाह, इन दोनों पे ही निगाहें टिकी हुई हैं। बांग्लादेश को इस समय 24 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए 27 रन। तौहीद रिदाए ने ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक दे दी है महमूदुल्लाह को, और ओवर की दूसरी गेंद पर महमूदुल्लाह ने ये क्या किया, पीछे की ओर गेंद खेला, पैड पे गेंद लगी, आउट दे दिया अंपायर ने, रिव्यू लिया, टर्न ओवर कर दिया डिसीजन, लेकिन फिर भी हार गई। आए हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज की कहानी है T20 वर्ल्ड कप में हुए बांग्लादेश बनाम साउथ अफ्रीका के उस मुकाबले की, जिसमें एक गलत अंपायर डिसीजन की वजह से बांग्लादेश मैच हार गया। मगर इसका जिम्मेदार ना बांग्लादेश है ना अंपायर्स हैं, बल्कि आईसीसी है। सो बॉस, बांग्लादेश की पारी का ओवर नंबर 17 और साउथ अफ्रीका की तरफ से बोलिंग करने आए ओटनील बाटमैन। क्रीज पर मौजूद थे तौहीद रिदाए और साथ में महमूदुल्लाह, और अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लग रहा था बांग्लादेश जीतेगी मुकाबला। बांग्लादेश को चाहिए थे 24 गेंद पर 27 रन, पॉसिबल राइट? और ओवर की पहली गेंद पर रिदाए ने एक सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया और महमूदुल्लाह आए स्ट्राइक पर। इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर महमूदुल्लाह को अंपायर ने आउट दे दिया, हां, जबकि गेंद लेग स्टंप मिस कर रही थी, क्योंकि बॉल जो थी एक फुल लेंथ डिलीवरी थी जिसे महमूदुल्लाह ने शफल करने की कोशिश की थी। ये मिडिल लेग की गेंद थी और ऐसा लग रहा था इंपैक्ट देखने के बाद कि ये लेग स्टंप मिस करेगी। ऐसे में महमूदुल्लाह ने रिदाए से डिस्कशन के बाद DRS मांग लिया, और जब DRS के थ्रू रिव्यू हुआ तो पता चला कि हां, ये लेग स्टंप मिस कर रही है, तो अंपायर को अपना डिसीजन जो है रिवर्स करना पड़ा। एंड बॉल ट्रैकिंग ने भी क्लियर कर ही दिया था, तो अंपायर को तो ये डिसीजन देना ही था। सी, गेंद महमूदुल्लाह के पैड पर लगने के बाद बाउंड्री के लिए गई थी, ठीक है, तो चार हो गया था, बट अंपायर ने क्योंकि महमूदुल्लाह को आउट दे दिया था, इसके चलते बांग्लादेश को चार रन नहीं मिले, एंड इवेंचुअली बांग्लादेश इन्हीं चार रनों की वजह से हार गया मुकाबला। यस, और बाद में भाई इस फैसले को लेकर फैंस ने, क्रिटिक्स ने, मतलब हल्ला काट दिया सोशल मीडिया पर। नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने। इसके जवाब में बांग्लादेश 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 109 रन ही बना पाई और हार गई मुकाबला। तो बॉस, अंपायर्स का यह कहना है कि आईसीसी रूल बुक में ऐसा लिखा है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। बट आईसीसी रूल बुक में लिखा क्या है? तो क्या कहता है आईसीसी का रूल बुक? रूल नंबर 3.7.1, इफ फॉलोइंग अ प्लेयर रिव्यू रिक्वेस्ट एंड ओरिजिनल डिसीजन ऑफ आउट इज चेंज्ड टू नॉट आउट, देन द बॉल इज स्टिल डीम्ड टू हैव बिकम डेड व्हेन द ओरिजिनल डिसीजन वाज मेड एज पर क्लॉज 20.1.1.3। The batting side, while benefiting from the reversal of the dismissal, shall not benefit from any runs that may subsequently have accrued from the delivery had the on-field umpire originally made a not-out decision other than any no-ball penalty that could arise under paragraph 3.3.5 above. मतलब समझे? मतलब ये है कि मान लो अंपायर ने आउट दिया, ठीक है, उसके बाद DRS लिया और डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा, यानी नॉट आउट हो गया, बट उस केस में भी पैड से लगकर अगर चार गई, हेलमेट से लगकर छह गई या कुछ भी अगर हुआ तो वो रन नहीं माने जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई आउट था, नॉट आउट कर दिया, क्योंकि आईसीसी का नियम ये कहता है। आगे देखिए, रूल नंबर 3.7.2, इफ एन ओरिजिनल डिसीजन ऑफ नॉट आउट इज चेंज्ड टू आउट, द बॉल शैल रेट्रोस्पेक्टिवली बी डीम्ड टू हैव बिकम डेड from the moment of the dismissal event. All subsequent events including any runs scored shall be ignored. कहने का अर्थ यह है, not out दे दिया था, लेकिन उसके बाद out दे दिया, तो boss उस case में भी ball dead हो गई है, कोई run नहीं मिलेगा। उसके बाद नियम number 20.1.1.3 of the dead ball law, the most important law in cricket, states that a batter is dismissed, the ball will be deemed to be dead from the instant of the incident causing the dismissal. कहने का अर्थ, बॉल जब पैड पे लगी, जब अंपायर ने आउट दे दिया, उसी मोमेंट से वो बॉल डेड हो चुकी है, उसके बाद इंपैक्ट के बाद चार जाए, छह जाए, वाइड जाए, अनलेस इट्स अ नो बॉल डिलीवरी, अदरवाइज डेड बॉल है।
तो नियम साफ है एंड इसी नियम की वजह से बांग्लादेश जो है अब थोड़ा खतरे की स्थिति में आ गया है। लेकिन पता है खतरा किस पे मंडरा रहा है? पड़ोसियों पे, यानी पाकिस्तानियों पे, क्योंकि पाकिस्तान को अब कनाडा आयरलैंड दोनों ही मैच जीतने होंगे और उम्मीद करनी होगी कि यूएसए अपने अगले दोनों मुकाबले हार जाए बनाम इंडिया एंड आयरलैंड। लेकिन उसमें से शायद यूएसए जो है आयरलैंड नहीं कनाडा से जीत चुका है और पाकिस्तान से जीत चुका है। हाँ, तो भाई ये सीन है। एनीवे, उसके अलावा एक बोनस न्यूज है आपके लिए। सो बोनस न्यूज इज पाकिस्तान की तरह कीवीज का सफर भी खतरे में है। यस, बुधवार को वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। अगर इस मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ कीवी टीम हारी तो वर्ल्ड कप का सफर यहीं पर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। वेस्टइंडीज से हारने के बाद न्यूजीलैंड तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड पर भी तलवार लटक रही है। अब इस लिस्ट में न्यूजीलैंड का नाम तो जुड़ ही गया है। न्यूजीलैंड के अलावा अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी को ग्रुप सी में रखा गया है। इस वक्त अफगानिस्तान दो मैचों में 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में टॉप पर काबिज है। तो ये क्विक अपडेट था कि इंडिया के अलावा बाकी टीमें कैसा कर रही हैं। बट इंडिया टीम अच्छा कर रही है। हमारा अगला मुकाबला जो है वो है बनाम यूएसए। यस, वो टीम जिसने पाकिस्तान को हराया है और वो टीम जो अपने होम ग्राउंड, होम टर्फ पे खेल रही है। तो क्या होगा उस मैच में, आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये जो रूल है कि बॉस नॉट आउट दे दिया बट चार नहीं दिया, क्या ये फेयर है? डोंट यू थिंक वहां पे कुछ चेंजेस होने चाहिए? प्लीज कमेंट करके अपने सजेशंस शेयर कीजिएगा, मुझे पढ़ने में मजा आता है और हम डिस्कस करेंगे अगले लाइव में। ऑलराइट, सो इस वादे के साथ कि हम ऐसे ही आपको T20 वर्ल्ड कप से जुड़े हर कंट्रोवर्सी और खबरों से एकदम वाकिफ रखेंगे, मैं विदा लेना चाहूंगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड अनटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बाचा एंड दिस इज अनकट।